ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज कौन आया सवेरे सवेरे, कौन आज आया सवेरे सवेरे। भगवान की महिमा है कि वो बहुरूपी है, बहुरूपी है, बहुत प्रकार से, भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न संबंधों से, और डिफरेंट वेज में हम आत्माओं का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, तरीके बताते हैं। तो जब संबंध अनेक हैं और कर्तव्य अनेक हैं, तो आज बाबा आए हैं जनरेटर के रूप में आत्मा की बैटरी चार्ज करने, या कहें सच्चिदानंद आए हैं सत्य की पहचान देकर, हमको सत्य का स्वरूप बनाकर। सत्यता में शक्ति है, सत्यता निर्भयता है, सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सत्यता अपनी सत्य के लिए जिद्द नहीं करती, परंतु सत्य को परखने वाले अथवा चैलेंज करने वाले बहुत होते हैं, और वो भी जब कॉन्ट्रास्ट है, झूठ निकलता है तो सच की नाव डोलती है परंतु डूबती नहीं है। तो आज सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है, और जब ज्ञान सूर्य के साथ हमारा संबंध जुड़ता है तो हम आत्माएं भी रिचार्ज हो जाती हैं अथवा सत्व प्रधान स्टेज पर पहुंच जाती हैं। तो सुनते हैं आज 10 नवंबर की मुरली बाबा से। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतनी बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है तुम्हारी सच की बेड़ी अथवा सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं। आंसर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, ऑकल्ट पावर दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं समझते, परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सदगति का रास्ता सत्य ज्ञान से, ज्ञान सागर द्वारा ही मिलता है। सबके लिए ये एक ही हट्टी है,
ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति, रूहों प्रति क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है, बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है इस जन्म में, ये अलौकिक ब्राह्मण जन्म में हम आत्माभिमानी बनते हैं। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देहाभिमान में ही रहते हो, 21 जन्म द्वापर के, 42 जन्म कलयुग के, 63 जन्म देहाभिमान में ही रहते हो। आत्मा क्या चीज है ये पता नहीं रहता। ये तो मानते हैं, जानते हैं आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, दुख भी आत्मा को ही होता है, पतित आत्मा या पावन आत्मा या आत्मा के लिए ही कहा जाता है। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना, आत्मा धर्मात्मा महान आत्मा पुण्यात्मा पापात्मा, ये आत्मा के साथ ही कनेक्टेड है। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। तो अगर सभी के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा हो, सब कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो अगर वो परमात्मा हो तो परमात्मा पतित परमात्मा हो जाए ना, फिर तो यही कहेंगे पतित परमात्मा, पतित महात्मा, पतित देवात्मा, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो जो मुख्य बात है आत्माभिमानी बनना, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सोल कॉन्शियस। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, ये भी किसी को पता नहीं है। तुम नई बात सुनते हो, ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं, और कोई सिखला न सके। मेहनत भी इसमें ही है, याद की यात्रा में ही। क्या मेहनत है कि अपने को आत्मा निश्चय करके, आत्मा समझ के कर्म करना, देह समझ के देह भान में कर्म करते हैं ना, तो ये आदत को मिटाने में मेहनत है। देह भान के घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है, जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं, परंतु ये आत्मा की बैटरी फिर दी ऑलमाइटी अथॉरिटी जो पावर हाउस है, जनरेटर है ना, बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है,
तो इस ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर हाउस सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बैटरी कैसे भरे, सबको उस पावर से ही भरना है, रिचार्ज करना है। वो बाप है सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी कैसे चार्ज हो? पावर इतनी भर जाती है जो सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, रोज चार्ज नहीं करनी पड़ती। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? चार्ज हो गई तो फिर सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी डिस्चार्ज है बैटरी। इसलिए बाबा कहते हैं अभी फिर से बैटरी को चार्ज करना है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। ये रियलाइज तो है ना, रियलाइजेशन। अच्छा, अगर ये रियलाइजेशन है कि हमको बैटरी चार्ज करनी है, फिर से शक्तिशाली बनना है, तो कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भर कर सतो प्रधान बन जाएगी। तो दोनों ही बातें हैं। अगर प्यार है, याद करने की इच्छा है, भावना है, तो मन मना भाव मन लगेगा योग लगाने में, योग लगेगा, बुद्धि का योग जुट जाएगा। तो सतो प्रधान आत्मा बन जाएगी। बुद्धि का योग जोड़ना माना बुद्धि में ज्ञान होगा तो योग जुटेगा, सोल कॉन्शियस होगा तो योग जुटेगा। तो बाप के साथ साथ फिर टीचर के साथ संबंध जुटा। इसलिए बाप कहते हैं कि सत्व प्रधान बनना है तो ये तो पढ़ाई है ना, पढ़ाई ही कमाई है। याद से तुम पावन बनते हो, आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है ना, हम कितना बाप को याद करते हैं। प्लग इन किया और फिर स्विच ऑफ कर दिया तो फिर तो वो चार्ज नहीं होगी ना लगातार। बाप को भूल जाने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बगैर ज्योति जगेगी कैसे? और याद के ज्ञान के बिना याद भी नहीं होगा, इसलिए ज्ञान का सागर भी है, ज्ञान सूर्य है। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तो जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो दिन हो जाता है ना, सूर्य प्रकट होते ही दिन हो जाता है। तो बाबा ज्ञान देते हैं तो भक्ति की रात पूरी हो जाती है। जानते हो ज्ञान है दिन, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात।
तभी कहते ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। तो किस चीज का अज्ञान? भक्ति में ज्ञान नहीं था, अज्ञान था, रात थी। करते आते थे चाहे अंधश्रद्धा से चाहे डर से, रात से। फिर क्योंकि जो कुछ भी करते आए दुख से, दुख की दुनिया में रहे, अज्ञान अंधकार में है दुख, इसीलिए रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। दुख की दुनिया से वैराग्य, देहभान से वैराग्य। तो बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो, दुख धाम को भूलो, सुख धाम को याद करो। दिन है स्वर्ग, रात है नरक। तो तुम बच्चे अब चैतन्य में हो, ये शरीर तो विनाशी है, आत्मा चैतन्य है। शरीर मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा तो अविनाशी है ना। तो आत्मा अविनाशी है, फिर डिस्चार्ज क्या होता है, डिके क्या होता है? वो जो आत्मा की शक्ति है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसकी ऑपरेटिंग पावर जो है ना, सतो प्रधान स्थिति और सतो रजो तमो से गुजरती है, ये बैटरी डिस्चार्ज होती है। शक्ति यानी शक्ति आत्मा की कम होती जाती है, प्योरिटी कम होती जाती है, डिविनिटी कम होती जाती है, रॉयल्टी खत्म हो जाती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर शांति धाम, हम वहां से आए हैं शांति धाम से। यहां अभी बाबा ने फिर सूक्ष्म वतन का भी ज्ञान दिया, सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। अब सूक्ष्म वतन तो हमारा लक्ष्य है ना, एक्चुअली ना, सूक्ष्म वतन तो बाबा का प्लानिंग ऑफिस है, क्या नई दुनिया को कैसे बनाना है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्थापना, योग तपस्या से विनाश और पुरुषार्थ बैलेंस से ब्लिसफुल लाइफ, ये तो परमात्मा ने हम बच्चों को हमारे लिए इमर्ज किया सूक्ष्म वतन। तो बाबा ने कहा तुमको मालूम है सूक्ष्म वतन तो इस संगम युग के लिए थोड़ा समय है। सूक्ष्म वतन में चार भुजाएं दिखाते हैं। बाबा ने कहा यहां तो चार भुजा होती नहीं है, कोई चार भुजा वाला मनुष्य तो होता ही नहीं है, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि ये विष्णु चार भुजा किसका सिंबल है, किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को चार भुजाएं दी हैं। अब सिवाय बाप के ये कोई बात समझा नहीं सके। आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है, आत्मा में संस्कार हैं तो आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, आत्मा ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, वीक हो गए हैं, पतित बन गए हैं, डिस्चार्ज हुए तो एकदम डिके हो गई ना स्टेज, एम्प्टी हो गए। अब बाप आओ आओ हमको चार्ज होना है, फिर से एनर्जी रिचार्ज होना है। अब बाप कहते हैं कमजोर बन गए, पतित बन गए, मैं मूर्ख बन गया, ये सब प्रकार से डिके की बात ही सुनाते हैं, डिस्चार्ज में डिके हो गई स्टेज,
डिग्रेडेड हो गई, कमजोर हो गई, एम्प्टी हो गई। तो बाप कहते हैं फिर जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी, जितना याद करेंगे ताकत आएगी, पर याद में क्या भरना है? याद तो पुकार की भी है, तो याद उलहने की भी है, पर क्या याद करना है जो ताकत आएगी? बाप से बहुत लव होना चाहिए, प्यार से याद करना है, बुद्धि का योग लगाना है, पर उसमें प्यार भरना है। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं, जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, तो यहाँ तो तुमको दो बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले, आत्मा को शक्तिशाली गुणवान बनाने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए घर जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। अर्थात श्रृंगार क्या है? सर्व गुण संपन्न बनना है, अपने से पूछना है, चेक करना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से कुछ करता तो नहीं हूं, चेक करना, कुछ करता हूं कर्मणा से, किसको दुख तो नहीं देता हूं। बाप है दुख करता सुख करता, तो मुझे भी सबको सुख देना है ना। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं, बाबा बहुत युक्तियां बताते रहते हैं। तुम हो सेना, शिव शक्ति पांडव सेना ना, तुम्हारा नाम ही है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी आए, पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो ना, अगर सुना है प्रजापिता ब्रह्मा तो तुम भी तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, सब रचना प्रजा है, तुम्हारा बाप है, सिर्फ तुम जानते नहीं हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा भी बाप है, तुम भी ब्रह्मा कुमार हो। ब्रह्मा भी जरूर फिर किसी का बच्चा होगा, उनके बाप का कोई शरीर देखने में नहीं आता। ब्रह्मा का पिता भी शिव पिता है, उनका फिर शरीर नहीं है। ये सूक्ष्म वतन वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, वो तीनों का रचयिता है। इसलिए शिव की महिमा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य त्रिमूर्ति शिव। सत्यु की रचना के लिए शिव ने ये त्रिमूर्ति रची है, तो तीनों का रचता है। ऊपर में एक शिव बाबा है, फिर है ये तीन, ये तीन द्वारा कर्तव्य कराते हैं। इसलिए वो इंग्लिश में जब कहते हैं ना, समझाते हैं गॉड, जी ओ डी, तो जनरेटर, जी फॉर जनरेटर, फिर से नई दुनिया को ब्रह्मा द्वारा चार्ज करते हैं, बैटरी रिचार्ज करते हैं। फिर ऑपरेटर, फिर कैसे नई दुनिया की ऑपरेशन होगी, नई दुनिया का वर्क कैसे होगी, इसलिए ज्ञान गुण शक्ति सेवा धारणा वो लक्ष्य देते हैं विष्णु का। पर वो नई दुनिया ब्रह्मा द्वारा स्थापन जो होगी, पुराने का विनाश होगा तो नई दुनिया का राज आएगा, तो तपस्या द्वारा विनाश होगा पुरानी दुनिया का। ऊपर में शिव बाबा, फिर ये तीन हैं। जैसे शिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप भी तो जरूर भगवान ही होगा ना, और वो है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करके इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, ये नया जन्म है, संन्यास किया है पुरानी दुनिया का,
तो नाम ब्रह्मा रखता हूँ, तुम बच्चों के नाम भी रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, मेरा भी अवतरण है, मैं भी जन्म नहीं लेता हूँ, परंतु ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के तुमको अडॉप्ट करता हूँ, जिसको ब्राह्मण जन्म कहेंगे, रूहानी जन्म कहेंगे, अलौकिक जन्म कहेंगे, इनमें प्रवेश करता हूँ, तुमको सुनाता हूँ। इसीलिए ये हो गए बाप और दादा। शिव है परमात्मा पिता, ब्रह्मा है हमारा भाई, बाप दादा। ब्रह्मा भी शिव की रचना है, जैसे बड़ी दादी को, बड़ी बहन को दादी कहते हैं, ऐसे बड़े भाई को दादा कहते हैं। फिर जब इनहेरिटेंस लेनी है तो ब्रह्मा बाप है और शिव ग्रैंडफादर है, प्रॉपर्टी शिव से मिलती है, मिलती ब्रह्मा द्वारा है। जिसमें प्रवेश किया उनकी तो आत्मा तो है ना, ब्रह्मा तन, ब्रह्मा की आत्मा, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। तो ये दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर के बैठेगी, जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर के बैठेगी। तो ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और तुमको भी कहते हैं, बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अब स्मृति आई है कि कलप कलप हमने 84 का चक्कर लगाया है और अब वापस जाते हैं। ये संगम युग है, अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। तो बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक। अब संगम पर सारा चक्र साक्षी होकर के देखते हैं। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे ना, झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे वृक्ष का भी एक एक पत्ते की तो डिटेल नहीं बताएंगे ना, सार में ही बताते। तो बाबा ने कहा ये पुराना वृक्ष है, सूख जाएगा। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, जंगल बन गया, कांटे बन गए, एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, जंगल को आग लग जाएगी, आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। अब ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता, बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। तो इनको कितना याद करना चाहिए, और याद न रहने से फौरन क्या होता है, ये तो एक्सपीरियंस है ना, याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको भी तूफान, तो तूफान तुमको ही तो आएंगे। चलो मनसा में व्यस्त चिंतन चलता है, तूफान आते हैं, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है, कर्म इंद्रियों में उसको नहीं लाना है। विकर्म किया तो हार खाई। अच्छा बाबा से पूछते हैं अपने घर की बच्चों की प्रॉब्लम सुनाते हैं, ये करना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं, गुस्सा आ जाता है,
बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो बाबा कहते कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, संभालना है नहीं तो बराबर वो उनकी बागडोर तो हाथ में ही रखनी है, तो थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, वो उसने माँ ने उनको ओखली से बांधा तो इतनी ताकत थी तो ओखली को भी खींच के ले गए, पेड़ से बांधा तो पेड़ की जड़ें उखाड़ दी। मतलब वो था कि उनको हिंसा से अथवा क्रोध से नहीं हैंडल करना है, नहीं तो और धम चक्कर मचाएंगे ना। तो बाबा ने कहा था प्यार से संभालो, या फिर ये है कि कोई ना कोई उनको रियलाइजेशन के लिए भोजन नहीं दो, खाना नहीं दो, नहीं अभी नहीं देना है जब तक ये काम नहीं करोगे, रो रो करके आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे ये भूल, तो हमने क्या किया डिसिप्लिन से बांध दिया ना उनको। अपना डिसिप्लिन रखो और उस डिसिप्लिन में उनको बांध दो, जब तक ये काम नहीं करेंगे भोजन नहीं मिलेगा, या जो उनको आवश्यकता की चीजें हम नहीं देंगे। वो यशोदा के लिए कहते हैं उखली से बांधा, पेड़ से बांधा, खाना नहीं दो, खाना खाना है का नहीं, खाना बाद में मिलेगा, पहले ये काम करो। तो कौन सी रस्सी से? मर्यादा की रस्सी से बांधना है, डिसिप्लिन की रस्सी से बांधना है। तो बाबा ने कहा रो रो करके आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे, पर बच्चा है फिर भी करेगा। वो दिखाया ना कि उसने वो तो पेड़ ही उखाड़ दिया, ओखली को भी खींच लिया, तो इसलिए वो करेंगे। तो ये समझना है कि वो बचपन है उनका, तो समझ भी चाहिए, खुद भी अपसेट नहीं होना है, शिक्षा तो देनी है। इस पर भी बताया था कि सांप है, सांप जहर काटता है तो मार देता है, फुफकार मारता है तो डरा देता है, तो वायलेंस का काम नहीं हो, समझ से काम लेना है और स्नेह से भी काम लेना है, शिक्षा भी देनी है। बच्चा है फिर भी करेगा। बाबा कहते हैं मैं भी तो तुम बच्चों को कितने बारी शिक्षा देता हूँ फिर भी भूल करते रहते हो। बाबा गुस्सा नहीं करता, थप्पड़ नहीं मारते। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना ये काला मुंह क्यों करते हो, कुल को कलंकित करते हो, कुल को कलंकित लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल शिक्षा देने वाले अथवा रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले, चमत्कार दिखाने वाले बहुत निकल पड़े हैं ना। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। तो बाप आते ही हैं सर्व की सदगति करने। सदगति हो गई तो फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। तो बाप आते ही हैं तब जब नई दुनिया पुरानी होती है।
बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वो ताकत नहीं रहती। जौहरदार तलवार नहीं है, वो तलवार में ज्ञान की धार नहीं है और योग नहीं है, तो जौहरदार तलवार नहीं है। बाप कहते हैं कोई नई बात नहीं है, बाप 5000 वर्ष पहले भी आए थे, फिर से आत्मा में शक्ति भरी थी। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले भी मिले थे। तो कोई फिर कहते हैं ड्रामा को ठीक नहीं समझते, पूरी रीति नहीं समझते है ना, तो कह देते हैं ड्रामा आप पे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना तो करो ना, ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है तो ड्रामा अनुसार बाबा की शिक्षा मिल रही है पुरुषार्थ करने की, तो पुरुषार्थ करना है ना, करा रहा है तो ड्रामा भी करा रहा है ना, सिचुएशंस भी पुरुषार्थ करा रही हैं। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है ना, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वो करेंगे, और अभी तक जो आए नहीं हैं, बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, वो आने हैं, आएंगे। जो चलते चलते भाग गए, बाबा के बच्चे थे परंतु माया के आकर्षण में चले गए, शादी आदि की जाकर के, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आकर के फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ। बाप के पीछे ही पूछ लटकाना पड़ेगा, यानी बाबा के पीछे ही आना पड़ेगा, बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, हट्टी एक है। ये भी यादगार लिखा हुआ है, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं, बड़े बड़े विद्वान बाल ब्रह्मचारी सन्यासी भी वो भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उनका पूरा हो जाएगा, वो पार्ट उनका भी नरम होने का रियलाइज करने का आएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो और गंवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं, तो भारतवासी खास और देवी देवताओं के जो पुजारियां उनको समझाना है कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, उनकी पूजा करते हैं ना, जिनकी पूजा करते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वो समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसलिए ये भी समझाना है कि श्री कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला कौन, नर को नारायण बनाने वाला कौन, वो लोग। अच्छा तुम्हारे में भी नंबर वार हैं समझने में समझाने में, कोई कितनी मेहनत करते कोई कितनी, पर बाबा ने कहा सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करते, पर आखिर ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। दिखाते हैं ना गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया, तो अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है, सोना भी खानियों में से नहीं निकलता, स्वर्ग में तो सोने के महल होते हैं,
अभी तो गवर्नमेंट भी तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। सतयुग में तो असाधन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, हीरों की जड़त का शौक रहता है, वहाँ धन की कमी नहीं है। खारून का खजाना, अलावलदीन का खेल, ये सब दिखाते हैं, यादगार है कि ठक किया अथवा कुल समसम कहा या दीवा जगा और स्वर्ग की बादशाही आ गई। ठक्का करने से महल निकल आते, ताली बजाई स्वर्ग प्रकट हो गया। हम तो बाबा कहते हैं ये सब साक्षात्कार की बातें हैं, यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं ना। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज हीरों की होती है, यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे तो लूट करके ले जाएंगे, छुरा मार करके भी ले जाएंगे। वायलेंस है, लोभ है, कमी है, इसीलिए यहाँ पर वो है तो आर्टिफिशियल डालते हैं, होते हुए भी वहाँ ये बातें होती नहीं। ये पुरानी दुनिया ही बड़ी गंदी दुनिया है, श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह की दुनिया थी, हीरे जवाहरातों के महल थे, कोई अकेले तो नहीं रहते होंगे ना महल में। उनको कहा जाता था स्वर्ग, नई दुनिया को स्वर्ग, उसको स्वर्ग कहा जाता था। और तुम जानते हो बराबर हम स्वर्ग के मालिक थे, हीरे जवाहरातों के, यानी धन संपत्ति अथाह थी, पर धन संपत्ति भी वो हीरे दीवार की पर जो जड़े हुए अथवा तो वो तो बिल्डिंग मटेरियल है ना, कोई उसका अहम नहीं था, मैटर है बस, कोई फर्क नहीं, यानी किसी भी प्रकार का ना लोभ ना अहम। तो बाबा कहते हैं फिर द्वापर में हमने ही सोमनाथ का मंदिर बनाया। ये समझते हैं कि हम क्या थे, देवी देवताएं, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की, अभी ज्ञान मिला है। आत्मा को 84 जन्मों का ज्ञान है, कितने हीरे जवाहरात थे वो सब कहाँ गए, आस्ते आस्ते खलास होते गए, धीरे 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 मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले जाए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताज महल आदि बनाया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद करके ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है, यानी भारत की संपत्ति, कहते ना सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया, तो चिड़िया एक जगह तो बैठेगी भी नहीं ना, एक डाल से दूसरी डाल, एक धर्म से दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म में, शांति की भी चिड़िया थी तो संपत्ति की भी चिड़िया थी, तो कोई ना कोई लूट कर ले गए, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद करके ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बेगर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। उस समय राशन मिलता था तो अनाज, चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलती, राशन कार्ड से मिलता था। अब विश्व को बदलना है, नरक को स्वर्ग बनाना है, बेगर को प्रिंस बनाना है, दुखधाम को सुखधाम बनाना है, विश्व को ही बदलना है। परंतु विश्व बदलने से पहले क्या करना है, उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, बाप को जरूर याद करना है, बुद्धि का योग बाप के साथ ही हो, उनसे तो वर्षा मिलता है ना। और इसमें ही फिर माया की लड़ाई है, युद्ध भी माया के साथ इसी बात पर करना पड़ता है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे,
अज्ञानी थे ना, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। अभी ज्ञान मिला है, अभी तुम संगम युगी हो और सभी हैं कलयुगी। मनुष्य तो कहेंगे इनको तो जो आता है सो कहते रहते हैं, ज्ञान समझते नहीं है ना, कहते इनका तो जो आता है सो बोलते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं समझाने की भी तो युक्तियां होती हैं ना, आपको समझाना भी है समझ से, धीर्यता से, नम्रता से। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलेट के बन जाएंगे, जो फिर समझाने में भी सहज हो। अच्छा, तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। कैसे फिर से स्थापन कर रहे हैं? बाप की याद से और ज्ञान से। तभी बाबा ने कहा गुणों के गहने भी पहनते हो, गुण भी धारण करते हो। माया बीच में बहुत धोखा देती है, तो बाप कहते धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैज बाबा ने कहा ना हमेशा लगा रहे, ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, बनवाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। ये लक्ष्य सामने याद रहेगा तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, सर्व गुणों में, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए दिल, इससे दिल नहीं लगानी है कब्रिस्तान से। स्मृति रहे, अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। एक्सप्लेनेशन, जैसे गंदगी में कीड़ा पैदा होता है वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। ये मैं और मेरा गंदगी है। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। और माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी से को किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें मेरापन नहीं होता है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और खुद को ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी।
इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति को के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग होती है। ओम शांति, ओम शांति।